और रोहतक से आपको बड़ी खबर बता दें, रोहतक में ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई है। गैंगवार के चलते ट्रिपल मर्डर की ये वारदात सामने आई है। देर रात दो शवों का अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल एक मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। अभी तक पुलिस की मौजूदगी में बोहर गांव में ये अंतिम संस्कार हुआ। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है पुलिस। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर राहुल बाबा ने इस पूरे वारदात की गैंग वॉर की जिम्मेदारी ली है। गैंगस्टर सुमित पलोटरा के भाई की भी इस दौरान हत्या हुई है और आज अमित नांदल का अंतिम संस्कार हो सकता है। तो रोहतक में ट्रिपल मर्डर की यह वारदात सामने आई है, जहां गैंग वॉर के चलते ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। देर रात दो शव का अंतिम संस्कार किया गया। एक मृतक का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में बोहर गांव में ये दो शव के अंतिम संस्कार किए गए। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर राहुल बाबा ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। गैंगस्टर सुमित पलोटरा के भाई की भी इस दौरान इस गैंग वॉर में हत्या हुई है और आज अमित नांदल का अंतिम संस्कार हो सकता है। तो रोहतक में ये ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई है, जहां पर देर रात दो शव का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि एक मृतक का अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। और इस पूरे गैंग वॉर की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर गैंगस्टर राहुल बाबा ने ली है और अभी तक आरोपियों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसी खबर पर हम रुक करेंगे अपने सहयोगी धीरेंद्र का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। धीरेंद्र, गैंग वॉर का ये पूरा मामला है और गैंगस्टर सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी, इस वारदात की जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए वैष्णवी, काफी बड़ा मामला है और पुलिस ने तुरंत टीमें भी गठित कर दी थी, लेकिन फिलहाल तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पता चलना बड़ी बात होती कि इस वारदात को किसने अंजाम दिया है। सोशल मीडिया पर राहुल बाबा नाम के गैंगस्टर ने जिम्मेदारी भी ली है, हालांकि वो जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ था और पुलिस को पुख्ता सबूत भी मिल गए हैं कि इसके अलावा कौन कौन और उनके सहयोगी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है। हरियाणा के अलग अलग जिलों में टीमें भेजी गई हैं, दिल्ली में भी कई टीमें पुलिस की तरफ से भेजी गई हैं और कल मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया, जिनमें से दो का, विनय और जयदीप का तो पोस्टमार्टम हो गया था, बाद में देर रात दोनों का अंतिम संस्कार करवा दिया गया और इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही। जो मुख्य गैंगस्टर सुमित पलोटरा, जिसके भाई की हत्या की गई थी, जिसको टारगेट किया गया था अमित नांदल, उसका अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, शायद आज उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा और उसका भी आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि गैंगवार की वारदात को देखते हुए पुलिस ने एहतियात के तौर पर गांव के आसपास भी सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी भी तैनात किए हैं, कहीं माहौल ना बिगड़े, क्योंकि पहले से ही इस तरह का अंदेशा था कि जो गैंगस्टर्स गैंगवार के चलते आपस में एक दूसरे पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जिस राहुल बाबा ने जिम्मेदारी ली है दिसंबर 2023 में रोहतक की सुनारिया जेल में, उसके ऊपर भी कैदियों ने हमला किया था और तब हमले का आरोप सुमित पलोटरा पर लगा था कि सुमित पलोटरा ने अपने गुर्गों को बोलकर राहुल बाबा की के साथ मारपीट कराई थी और उसी का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसा मानकर चला जा रहा है। कि अब देखना यह कि पुलिस कितनी जल्दी इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है, क्योंकि तकरीबन 7 से 8 आरोपी बताए जा रहे हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करके 5 लोगों को गोली मारी गई थी, जिनमें से 3 की तो मौत हो चुकी है और 2 फिलहाल मेडिकल में उनका इलाज चल रहा है। और आज इस चीज पे हमारी भी नजर रहेगी कि जो सुमित पलोटरा है, गैंगस्टर है, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, उसको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि सुमित और अमित सिर्फ 2 भाई हैं और उसके अंतिम संस्कार में सुमित को आने की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये गैंगवार का मामला है। अब गैंगवार किस लेवल तक जा सकती है, इसको लेकर पुलिस काफी संजीदा है कि ये आगे ना बढ़े, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर काफी एहतियात बरते जा रहे हैं और जगह जगह नाकेबंदी भी कर दी गई है।
जी धीरेन्द्र, और कहीं ना कहीं ये पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि मतलब इस तरह का एक गैंग वॉर हो जाना, दो गैंगस्टर के गुटों में आपस में ये गैंग वॉर हो जाना बहुत बड़ी बात है। देखिए, बड़ी इसलिए भी काफी हो जाती है क्योंकि हरियाणा के अंदर चुनाव है और तकरीबन जितने भी वेपन होते हैं इलेक्शन के दौरान उनको जमा करा लिया जाता है। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि चुनाव के दृष्टिगत जगह जगह नाकेबंदी लगाई गई है, वाहनों की चेकिंग करने की हिदायत, स्पेशल हिदायत भी दी गई है। लेकिन इस मामले की अगर हम बात करें तो तीन बाइकों पर कुछ बदमाश आते हैं, ना तो उनको आते हुए कोई चेक करता है और वो भागने में कामयाब भी हो जाते हैं, ना उनको जाते हुए पकड़ पाता है। यानी कि नाकेबंदी की गई है, लेकिन नाकेबंदी किस लिए की गई है, क्या इनकी जांच नहीं की गई, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान रोहतक पुलिस प्रशासन पर है। अब देखना ही है कि पुलिस इस पूरे मामले का कैसे निपटारा करती है, आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है, क्योंकि ग्रामीणों में भी काफी गुस्सा है, क्योंकि तीनों मृतक हैं एक ही गाँव के, बोहर गाँव के ही रहने वाले थे। अब आज देखना ये होगा कि आज जब अंतिम संस्कार होगा उस वक्त क्या सुमित पलोटरा को जमानत मिलेगी, वो अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। जी धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए।